अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद फराज़ खान। नाज़रीन, 2019 का इख्तिताम होने वाला है और 2020 यानी नए साल का आगाज़ होने वाला है। तो नए साल के लिए हर दफ़ा हमारी कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस होती हैं, जिसे हम कहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन। मतलब कि हमने नए साल में कौन कौन से ऐसे काम लाजमी करने हैं जो हम पिछले साल में नहीं कर सके। यानी कुछ लोग कहते हैं कि हमने नए साल में जिम ज्वाइन करना है, 2020 में हम जिम ज्वाइन करेंगे। कुछ कहेंगे हमने शादी करनी है, कुछ कहेंगे हमने ट्रैवलिंग करनी है। तो नए साल को लेकर आपकी क्या रेजोल्यूशन है, आप मुझे बताएँ कॉमेंट सेक्शन में। और मैं पूछता हूँ यहाँ पर मौजूद लोगों से, आइए मेरे साथ। तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपने नए साल के लिए सोची है कि नए साल में ये काम करना है? नए साल में यही सोचा है कि अल्लाह करे सबसे पहले तो मेरा प्रोग्राम ये है कि अल्लाह के घर में जाऊँ मैं, ठीक है। उसके बाद अपने बिजनेस के बारे में क्या बिजनेस बेहतर हो जाए, अल्लाह करे। क्या बिजनेस करते हैं? क्लिनिक वाले करना, और हमने क्या करना ये डॉक्टर हो गया आप, ये अगले साल में सोच रहे हैं अल्लाह करे बिजनेस पे ज़्यादा मरीज आए? नहीं, वो नहीं है, मेरा फार्मेसी का बिजनेस है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। वो भी इसी तरह होगा वैसे, जब मरीज़ बढ़ेंगे तो फिर दवाइयाँ ज़्यादा बिकेंगी। आप तो ये भी दुआ नहीं मांग सकते यार अल्लाह ज़्यादा मरीज़ बढ़े? नहीं, ये ज़ाहिर है हम तो सबके लिए सेहतमंद करें सबसे पहले, दें अल्लाह करीम सबको सेहत दे। तो आप क्या दुआ क्या करेंगे मुझे बताएं, ये कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे या ये कि अल्लाह मेरा कारोबार चले? अल्लाह वक्त सबको रिज़्क़ हलाल दे, जिस तरह जो भी जिससे जिसका जो भी तरीका है। और सर, जो दूसरे आपने अपनी क्या दूसरा क्या बताया था आपने? दूसरा मेरा यही है कि बिजनेस फार्मेसी में सारा सिलसिला है जो उमरा करने का भी इरादा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। क्या नाम है? अहमद नियाजी सर। अच्छा अहमद साहब, मुझे ये बताएं कि 2020 आने वाला है नया साल, तो नए साल को लेके आपके क्या प्लान है, नए साल में क्या करना है? हमने मजदूरी करनी है और क्या करना है। नहीं, बंदे का इरादा होता है ना कि नए साल में अगले साल में मैंने ये काम लाजमी करना है, कोई ये काम ऐसा है? नहीं, हम इधर सदर बार्ड के गार्ड हैं, यूनियन का सदर है वो, लिबर्टी मार्केट का हम उसके पास साथ हैं। हमारा इरादा है कि हम उसके साथ 5 साल या 7 साल जब तक उसकी हुकूमत है हम उसके साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है? गामा। गामा गामा, तो नवे साल में लेके की इरादा है, की करना नवे साल में? खुशियां ही होने दी, मालिक करेगा इंशाल्लाह। लेकिन कोई काम सोचा कि नवे साल में ये काम लाजमी करना? नहीं नहीं, काम तो इतने जेड़े होने ने वो ही होने ने, इतने केड़ा हो रुकन में, कोई आना जिन्हें आवे ढिड भरना किने इतने के नहीं। नहीं, सियासतदाना दी गल नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, तो फिर सही रब करेगा, मालिक सोहना करने वाला। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਸ ਰੱਬ ਹਰ ਰੱਖਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੰਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਕਰੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫਿਰਨੇ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨੇ, ਟੁਰੇ ਫਿਰਨੇ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ, अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या नाम है आपका? सही शुक्र है। नए साल को लेके क्या इरादे हैं आपके, क्या कहना है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपकी क्या है? मेरे ख्याल पाकिस्तान के अंदर अच्छा सेटअप होना चाहिए, ये जो ये मामले थोड़े पाकिस्तान के सख्ती बनी हुई, इनको खुशहाली में आनी चाहिए, और सबसे पहले तो ये चीज़ होती है। आपका अपना इरादा क्या, बंदा सोचता है ना कि यार नया साल आना है तो इस नए साल में ना मैंने ये काम लाजमी करना है, कोई ऐसा काम है जो आपने सोचा हुआ है? मेरा तो ये ख्याल है कि हम खिदमत करें आवाम की, हर भाई से मोहब्बत प्यार ये चाहें बस, इससे अलावा तो कुछ नहीं होगा। क्या करते हैं आप? मेरा ऑफिस है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी का ऑफिस है। तो सोचा नहीं कि नए साल में मैंने एक प्लाजा बनाना है अपना? नहीं, मेरी हसरत ये है कि मैं अगर चाहे तो मैं यतीम बच्चों की या अच्छे लोगों की, हम जैसे भाइयों की खिदमत कर सकूँ अगर मुझे अल्लाह दे तो। मुझे ऐसी हबस नहीं है कि वो ऐसा मामला नहीं है, अच्छे लोगों की खिदमत कर सकें बस। माशाल्लाह, बहुत अच्छा ख्याल है, अल्लाह करे कि हम सब के ऐसे ही ख्याल हों, एक दूसरे की खिदमत करेंगे, एक दूसरे की खिदमत करेंगे तो हमारा माशा आगे बढ़ सकता है। क्योंकि नबी सरकार का फरमान है कि जो भी शख्स तब मुसल तो जो भी कौम है एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए इंसान को, मोहब्बत है तो सब कायम है, अगर मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये जो लोग पड़े हुए ना मसले मसाइल में, ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब फेक चीज़ है, ये नबी सरकार का फरमान नहीं है। ये हम एक मुठ हों, हमें कोई कुवत जो हमें वो झुका नहीं सकेगी, हमें वो कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकेगा अगर हम एक होंगे। हमें इसे यही कमी है बस, हम अपने भाइयों को, अपने मुसलमानों भाइयों को हम खुद ही मार रहे हैं मेरे भाई। इतफाक नहीं है हमारा, हम ये इतफाक ये ना इसको हम ख़त्म करें, मोहब्बत प्यार और ये चीज़ पैदा करें, हम ये पैदा करेंगे तो हम लोग कामयाब। सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमार।
हमारे साथ मुझे बताएं क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब करता हूँ। आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, क्या करना है नए साल में? हाँ, काफ़ी चीज़ें प्लान आउट की हुई हैं मैंने। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी? लाइक अपने आप को थोड़ा सा जो है ना, लाइक जैसे जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड में थोड़ा सा ग्रो करना है अपने आप को और एक्सेल करना है ताकि किसी अच्छे डेजिग्नेशन पे जा सकूँ। ठीक है, ये चीज़ें प्लान आउट की हुई हैं और कुछ साथ और भी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा है प्राइमरी वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मुझे बताएं ड्राइविंग करते हैं? हाँ, बाइक ड्राइव कर लेता हूँ। तो ये भी आप एक ना कैमरे के सामने क्योंकि ये सेफ्टी टीवी है तो कैमरे के सामने ना एक वादा कर दें कि नए साल में मैंने कोई इशारा नहीं तोड़ना, कोई ट्रैफिक के कानून है जो है उनको तोड़ना नहीं है। यार ऐसे तो पहले भी मैं कोई ऐसा कानून जो है ना वायलेशन नहीं करता। ठीक है, सेफली बाइक ड्राइव करता हूँ, तो मैं तो और भी लोगों से यही रिकमेंड करूँगा कि वो भी जो है सेफली बाइक ड्राइव करें, ख़ुद भी सेफली ड्राइव करें और दूसरे लोगों को भी जो है ना सेफ रखें, क्योंकि खुद सेफ रहेंगे तो दूसरे लोग भी सेफ रहेंगे। सर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जैन मकसूद। जैन साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? लैपटॉप सेल। 2020 के हवाले से आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है कि नए साल में क्या करना है? नए साल में इंशाल्लाह जो करेंगे अच्छा करेंगे। क्या आपको ये काम है इरादा कोई रखा हुआ कि नए साल में ये काम मैंने लाजमी करना? अपना काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अभी अपना काम नहीं है? नहीं। अच्छा चले माशाल्लाह। तो उसके अलावा कोई इरादा है आपका? और तो फिलहाल कोई नहीं। अच्छा ड्राइविंग करते हैं? नहीं, बाइक चलाता हूँ। हेलमेट पहनते हैं? जी हेलमेट यूज़ करते हैं। अच्छा एक नए साल में ना जो आपने जितने भी इरादे किए उन्हें एक इरादा और ऐड कर लें कि नए साल में मैंने ट्रैफिक का कोई भी कानून है वो तोड़ना नहीं है। बिल्कुल सही, सिग्नल की पाबंदी करनी है, हेलमेट लेना है। मैं हेलमेट यूज़ करता हूँ। सही है जी जी, ट्रैफिक का कोई कानून नहीं तोड़ना नए साल। बिल्कुल ठीक है, वादा करते हैं? वादा इंशाल्लाह। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। नए साल को लेकर आपकी रेजोल्यूशन क्या है, क्या करना है नए साल में? नए साल में बंदे ने सोचा होता है ना कि नया साल आने वाला है इसमें मैंने ये काम लाजमी करना है। कुछ लोगों ने सोचा होता है मैंने शादी करनी है, कुछ ने सोचा होता है कि मैंने ये जगह घूमनी है, तो आपने क्या सोचा हुआ है? कुछ नहीं, हमने क्या करना, जो भी कर रहे हैं बस। शादी हो गई है? हो गई। दूसरी का रहता है? नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि उस जॉब के अलावा बंदे ने सोचा होता ना कि मैंने कहीं सफ़र करना है, कहीं ट्रैवलिंग करनी है, कुछ इस तरह? इतना टाइम ही नहीं होता। टाइम ही नहीं है? तो नए साल के लेके आपके कोई प्लान है ही नहीं? नहीं प्लान कुछ भी नहीं, कुछ भी प्लान है। चले नए साल में ना आपका अगर कोई प्लान नहीं है, ड्राइविंग करते हैं आप? ड्राइविंग नहीं, बाइक की है बस, बाइक की। हाँ तो बाइक की ड्राइविंग करते हैं ना। तो नए साल में अगर कोई इरादा नहीं है ना तो एक इरादा रख लें कि मैंने बाइक के ऊपर बाइक चलाते हुए ना ट्रैफिक के जितने कानून हैं उन सब की पासदारी करनी है इंशाल्लाह। सही है, मैंने कोई ट्रैफिक का इशारा नहीं तोड़ना, मैंने हेलमेट के बगैर बाइक नहीं चलानी। सही है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, बाइक चलाते मोबाइल फ़ोन नहीं सुनना। सही है, सही है, सही है ना? ऐसे तो कैमरे की तरफ देख के वादा कर लें कि नए साल में ना मैंने इस तरह में कुछ नहीं करना। नहीं वैसे ही होगा इंशाल्लाह। सही है ना, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरहान। फरहान साहब क्या करते हैं? जी मैं इधर सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। नए साल को लेकर आपके रेजोल्यूशन क्या है कि नए साल में क्या करना है? रेजोल्यूशन ये है कि नया साल पहले से बेहतर होना चाहिए हर लिहाज से, और ये है कि हमें कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्या सोचा आपने? मैंने ये सोचा है कि एक तो ये है कि अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको मोटिवेट किया जाए, और जो लोग जॉब लेस हैं उनके लिए कुछ किया जाए, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ करे, और पब्लिक फोरम्स पे आवाज़ उठाई जाए, और उन लोगों के लिए कि जो लोग डिज़र्व करते हैं उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई जाए, और अपनी मेहनत की जाए, अपना काम किया जाए। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, लोगों के लिए आपने सोच लिया। मुझे ये बताएं कि अपने लिए क्या सोचा, शादीशुदा हैं? जी नहीं। शादी का सोचा है अगले साल में? जी अभी नहीं। अभी नहीं सोचा? अभी नहीं। तो कोई कहीं सफ़र करने का, कहीं ट्रैवलिंग करने का सोचा हो? ट्रैवलिंग करने का ऐसा सोचा है मैंने, लेकिन ऐसे हालात नहीं हैं कि ट्रैवल कर सके बंदा। अच्छा, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव होती है काफ़ी। मैंने अब्रॉड सोचा हुआ है ट्रैवलिंग का, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, इस तरह से मतलब बंदा कर नहीं सकता। अच्छा ड्राइविंग करते हैं आप? जी नहीं। नहीं बाइक चलाते हैं? बाइक भी नहीं चलाता। साइकिल? साइकिल चलाता। चलाते हैं?
अच्छा मुझे ये बताएं कि साइकिल में भी ट्रैफिक के जो कानून हैं उनकी पाबंदी तो करनी होती है, जारी सी बात है जी। तो आप नए साल में अगर आपके कोई और इरादे नहीं है जी, कहीं और ट्रैवलिंग से रिलेटेड, तो आप ये एक वादा कर लें कैमरे में देखे कि नए साल में मैंने ट्रैफिक के कानून ही तोड़ने। जी नहीं तोड़ूंगा बिल्कुल, ट्रैफिक के जितने कानून हैं मैंने सबकी पासदारी करनी है ताकि मैं अपनी जान की हिफाजत भी कर सकूं और मैं जो दूसरे लोग हैं उनकी जान की हिफाजत भी कर सकूं। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल। फैसल क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता हूँ। नए साल में क्या करना है? नए साल में एक तो आपने इस तरह का ट्रैवलिंग करनी है जो हमारे स्कर्दो साइड पे हो गया और इस तरह के पी के जो इलाके हैं इसमें, और उसके अलावा ये है कि जो मोटिवेशन वगैरह के जैसे इन्होंने कहा है कि हमने मतलब कि जो बेरोज़गार लोग हैं जिस हुकूमत ने वादा किया तो वो काम कर रही है इसके ऊपर, पर इतनी जल्दी चेंजेस तो नहीं आएंगे हमें भी उनके। किस तरह मोटिवेट करेंगे आप जो बेरोज़गार लोग हैं उनके? क्या सोचा है, प्लान है कि जो होते हैं ना कि मतलब कि लोग जाते हैं मतलब कि गलत गलत साइड पर जाते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह भी ये बेरोज़गारी होती है। और अगर हम उनको कहेंगे क्योंकि जो फ्री लांसिंग की साइड है ना ये बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रही है, यहाँ पे एक्सेल कर रही है पाकिस्तान में, तो अगर आपको मतलब कि कोई ऐसा जॉब नहीं मिल रही है तो आप घर बैठ के फ्री लांसिंग करें आराम से, तो उनको फ्री लांसिंग की तरफ मोटिवेट करेंगे। सही है, चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ओके क्या नाम है आपका? मंसूर अली। मंसूर साहब क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ जी। क्या बिजनेस करते हैं? स्टील का। अच्छा, नए साल को लेके क्या रेजोल्यूशन है आपकी, नए साल में क्या करना है? नए साल में या जो पहले कर रहे हैं वही कर रहे हैं। बंदे का इरादा होता है ना कि नए साल में मैंने ये काम जो है वो लाजमी करना। नए साल में तो उम्मीद ही करेंगे कि कुछ बेहतर हो जाए। खुद कुछ नहीं सोचा हुआ? हाँ जी, कुछ सोचा नहीं हुआ, खुद बस बेहतरी की उम्मीद ही है। जैसे मैंने भी किसी एक आदमी से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने सोचा हुआ मैंने उम्रे पे जाना है। जी जी। किसने सोचा होता है मैंने किसी बच्चे की शादी करनी है? आपकी अपनी शादी की तो उम्र माशाल्लाह गुजर गई है। जी जी, बच्चे की भी शादी हो गई है, वो भी शादी हो गई है, बस अब बेहतरी की उम्मीद है यार। अच्छा, तो उसके अलावा किसने सोचा हुआ? बस उम्मीद तो सब करते हैं, मतलब कि ये काम बंदे ने सोचा होता है ना कि नए साल में मैंने ये काम इस साल में लाजमी करना। नए साल में बस ये सोच रहे हैं कि यार कुछ छोटा कुछ आपको मुल्क के हालात बेहतर हो जाए। अच्छा, ड्राइविंग करते हैं? जी जी बिल्कुल, ड्राइविंग गाड़ी के बाइक गाड़ी गाड़ी भी और बाइक भी दोनों। ठीक है, अच्छा हो गया। अब मुझे आप ये बताएं कि नए साल में आपका वैसे तो बेहतरी की उम्मीद है, तो बाकी बेहतरी तो एक अलग मतलब एक अलग बेहतरी है, अब आपने एक और बेहतरी की वो करनी है, इरादा करना है कि नए साल में ना आपने ट्रैफिक के जितने कवानीन हैं उनकी पासदारी लाजमी करनी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी 60 साल उम्र है और आज तक मेरा एक मरतबा चलान हुआ है सिर्फ। माशाल्लाह, आप हम सब के लिए जो लोग देख रहे हैं उन सब के लिए एक मिसाल हैं। कि कोशिश यही करते हैं कि यार को बेशक रात के टाइम भी अकेले ही सिग्नल पे खड़े हो लेकिन खड़े ज़रूर हों। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखें वो एक तो ट्रैफिक का रूल तो एक अलग हो गया ना, वो रूल बना किस लिए, वो हमारी सेफ्टी के लिए हमारे लिए बना है, लेकिन चलो कोई अल्लाह पर उम्मीद यही करते हैं कि चलो कोई यार लोगों को थोड़ी सी जो सा शऊर है दूसरों का ख्याल करने का, तो ये कुछ चलो वही शऊर बेदार हो जाए, यही नए साल के लिए दुआ करेंगे। नए साल में फिर आप ये अदा कर लें कि आपने बाकी लोगों को बताना है ट्रैफिक के रूल्स के बारे में, क्योंकि आप माशाल्लाह खुद इतनी सख्ती से पाबंदी करते हैं, तो बाकी लोगों को आप बताएं कि इसकी कितनी अहमियत है, क्यों आप करते हैं, मतलब माशाल्लाह आपकी 60 साल उम्र है और आप कह रहे हैं सिर्फ आपका एक दफ़ा चलान हुआ आज तक, तो आप बाकी लोगों को भी बताएं, बाकी लोगों को भी बताएं कि ट्रैफिक के रूल्स हैं, आपने उनको वायलेट नहीं करना, आपने उनकी पाबंदी करना है। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अली असगर। और आपका क्या नाम है? अली असगर रहमान। अच्छा अली असगर साहब क्या करते हैं आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज सारे सॉफ्टवेयर वाले मिल रहे हैं, खैर ही हो। पाकिस्तान में डिजिटल पाकिस्तान का नया इनकलाब आ गया अचानक से। नए साल को लेके क्या रेजोल्यूशन है आपकी, क्या करना नए साल में? नए साल में बस यही है कि कुछ अपना काम स्टार्टअप करने की इरादा है, मीन्स के काम को लेके जहाँ पे स्टेज पे उसको थोड़ा सा डिवेल्प करने का इरादा है। अच्छा, और आप क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपका क्या इरादा है नए साल को लेके? यही अपने बिजनेस की तरफ ही है, हमारी एक पूरी टीम है जो अपने बिजनेस का ही सोच रही है। तो किस तरह का बिजनेस करना चाह रहे हैं? यही सॉफ्टवेयर। किस तरह का स्टार्टअप के प्लान क्या है? प्लान हमने स्टार्टअप करना है छोटे से, तो इंशाल्लाह वेबसाइट्स और मीडिया टॉक वगैरह और इस तरह करके हम उसे लेके आगे चलेंगे। अच्छा, आप ड्राइविंग करते हैं? हाँ। क्या ड्राइव करते हैं, गाड़ी या बाइक? बाइक भी, गाड़ी भी। अच्छा, एक नए साल में आपके बाकी इरादे तो हैं माशाल्लाह, बिजनेस को अल्लाह ताला उनमें बरकत डाले,
آپ نے نئے سال میں ایک اور ارادہ کرنا ہے کہ یہ کیمرے کو دیکھ کے آپ نے بھی ارادہ کرنا ہے کہ میں نے نئے سال میں ٹریفک کے جتنے قانون ہیں ان کی پاسداری کرنی ہے. ٹریفک کا کوئی قانون میں نے نہیں توڑنا. شور 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 کیوں نہیں. ٹھیک ہے, کیمرے میں دیکھ کے کہہ رہے ہیں آپ؟ کیمرے میں دیکھ کے کہہ رہے ہیں یار, ان شاء اللہ. تاکہ ریکارڈ پہ رہ جائے. ہاں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پہلے بھی کرتے ہیں اس چیز کا, تو اور نیکسٹ ٹائم بھی مجھے اس چیز کے احتیاط رکھے ہیں. اچھا, آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں؟ ہاں جی کرتے ہیں. بائک یا گاڑی؟ دونوں کرتے ہیں. تو کبھی چلان ہوا ہے؟ نہیں, الحمد للہ نہیں ہوا ابھی تک, کیونکہ ہر چیز رول کے مطابق کرتے ہیں, تو ٹریفک قوانین کی پاسداری کرتے ہیں, تو اس لیے الحمد للہ ابھی تک. جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے بھی ایک میسیج دے دیں کہ جو نیا سال آنا ہے اس میں باقی آپ کے ارادے تو ہوں گے, باقی آپ کے پلان ہوں گے وہ کامیاب ہوں, لیکن یہ والا جو ہے نا ٹریفک کے قوانین جو ہیں ان کی پاسداری ہم لازمی کریں گے ان شاء اللہ ضرور, کیونکہ اگر ہم ٹریفک کے قانون خود توڑیں گے تو باقی لوگ بھی توڑیں گے, جس سے ملک میں بگاڑ ہی پیدا ہوگا اور ہمارا اپنا نقصان ہوگا اگر ہم ٹریفک کی پاسداری نہیں کریں گے. تو اس لیے قانون بہتر ہے, وہ ہماری زندگی کے لیے بنا جاتا ہے, ہماری حفاظت کے لیے بنا, ہماری حفاظت اور زندگی کے لیے. اگر ہم وہ قانون توڑیں گے تو اس سے ہم آپ خود جام باق بھی ہو سکتے ہیں اور سارا کچھ ہو سکتا ہے. چلیے سر, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. جی تو ناظرین, آج میں نے لوگوں سے پوچھا ان کی نیو ایئر ریزولوشن کے بارے میں کہ نئے سال میں ان کی ریزولوشن کیا ہے, وہ 2020 میں جو نیا سال آنے والا ہے اس میں کیا کام کرنا چاہتے ہیں. لوگوں نے اپنے مختلف خیالات بتائے, آپ بھی بتائیں کہ آپ کا نئے سال کو لے کے کیا پلان ہے, آپ نئے سال میں کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ تھا آج کا پبلک اوپینین. اپنے میزبان احمد فراز خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.